दरअसल तो जाता ही नहीं है ऑफिस भी शॉपिंग मॉल भी, कहते हैं हम बहुत सादा लोग हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सादगी को थोड़ा सा फैशन में बदल दिया जाए। तो शॉपिंग की मैंने उसके लिए आज, पहले तो मौसूफ मान ही नहीं रहे थे, फिर बिलाकर अपनी पसंद की चीज़ें ली उसने। तो फिर उसने क्या कहा? अरे समझ जाएगा वो भी, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना, हमारा कोशिशें रंग लाएगा, नादिर जैसा लोग भी हमारा इलाके की तरक्की के लिए काम करेगा। वो तो अभी भी बोलता है कि वो लियारी के लिए काम करता है। अरे काम तो वो लियारी के लिए करता है इसलिए बोलता भी है, लेकिन समझना ये है कि वो काम अच्छा भी है कि नहीं। साहब हमने तुम लोग का काम कर दिया है, अब हमारा काम का क्या होएगा? हाँ देख लिया मैंने, अब मुझे अपना काम करना है। ठीक है जी जी, आप तो काफी बड़ा हो गया है। आप भी छोटे नहीं रहे। हाँ बस जिंदगी का चाल है ये तो, इसीलिए तो वो हर चाल ठीक वक्त पर चलता है। वो तुमसे बात करना नहीं चाह रही, बार बार फोन आ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही पिक कर लूं कॉल, शायद आप उससे ही बात करना चाह रहे हो। अरे हाँ आपका नंबर तो है हमारे पास। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा नंबर तो है तुम्हारे पास। अच्छा ये बताओ शॉपिंग कैसी लगी मेरी, चॉइस अच्छी है ना मेरी? अरे उस्ताद वो कोई पुलिस भी इसका सोच रहा होगा, हमारे जैसा बंदा तो है नहीं, वो ऐसा वैसा काम करेगा। अरे तुम छोड़ो उसको, उसका मर्जी है, हमने तो अपना काम कर दिया है ना। वैसे देता एक बात है, आजकल घर में लड़की हो ना तो फौरन शादी कर देना चाहिए। चाहत भाई तकलीफ का कब पता चलता है, और फिर ये भी कब पता चलता है कि कोई अपना तकलीफ देगा। अरे कुछ हुआ है, कुछ परेशानी वगैरह है तो हमको बताओ ना। हम तो वैसे एक बात बोल रहे हैं। तो चलें फिर। हाँ चलो चलो। शायद स्पेशली आपका थैंक यू करना था मैंने कि आपने फैसल को कहा मुझे पिक एंड ड्रॉप के लिए, वरना रिक्शे और टैक्सी में तो मैं ख्वार हो जाती। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी सुबह तो और ही खूबसूरत हो गई। कोई सुन लेगा? और हमने तो ये सुना था कि दिल की बातें सिर्फ वही सुनता है जो दिल से जुड़ा हुआ हो। अल्लाह कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, अभी आप जाओ यहाँ से। अरे देख लेगा तो क्या, यही सोचेगा क्या हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा और नादिर भाई ने देख लिया ना तो वो आपका जान ले लेगा। और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में दे दे वे। जैसे आप जानता नहीं है नादिर भाई को। उफ़ मरवा दिया ना, देखो नादिर भाई का दोस्त आ गया, देख लिया उसने। तो कुछ सौदा लेने निकला था, अभी कहाँ से आ गया ये। अरे कौन है इतना जल्दी में आ रहा? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं शानजे का भाई हूँ। जी हमने आपको पहचान लिया। कैसी तबीयत है आपकी? अब हम पहले से बेहतर है। आपके एक्सीडेंट ने मेरी इज्जत बचा ली जिसकी वजह से शानजे बाहर नहीं जा सकी। जी अच्छा वो शानजे घर पे है? नहीं शानजे तो घर पे नहीं है। अच्छा आप मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगे? आप आ जाए अंदर आ जाओ। एक्चुअली वो आपने कुंडी नहीं लगाई, आपका काम था तो मैंने ही लगा दी।
नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने कैसे पहचाना कि मैं शांजे का भाई हूं? वो हमने आपको तस्वीरों में देखा था। इसका मतलब है कि आप खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हैं। आप बैठो, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। आप यहाँ? मैं देख रहा था कि बहुत सलीके से सजाया हुआ घर आपने, लगता है बहुत मुनज्जम लाइफ है आपकी। हमने तो कभी नहीं सोचा कि घर को सलीके से सजाने से इंसान मुनज्जम होता है। इन छोटी छोटी आदतों से इंसान की शख्सियत बनती और बिगड़ती है। हम आपके लिए चाय बनाए? जी जरूर, मुझे चाय बहुत पसंद है। बल्कि आज तो मुझे कोई काम भी नहीं है, बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तो ये सोच के आया था कि आज आप लोगों के साथ ही वक्त गुजारूंगा। हमको पता है, आप उधर बैठो, हम आपके वास्ते चाय बना के लाते हैं। चाय। अभी कुछ दिन पहले हमारे अब्बा ने आके तुमसे बात किया था। हाँ, हमको मालूम है, तुमसे पूछ के नहीं बोला उसने। हमने कई बार कोशिश किया इस मौजू पे तुमसे बात करने का, लेकिन हम शर्मिंदा है तुमसे। अब्बा खुद से कुछ नहीं सोचता है, बस जो अम्मा बोल देवे वो करने के लिए निकल पड़ता है। बात तो हमको तुम बताएगा, ये बताओ क्या बोल रहा था लोफर दिलावर तुमको? हमने क्या बात करनी थी? अरे चलो यही बता दो, क्या बोल रहा था वो? हमने उसको पूछा था शाहिद की बहन के बारे में कि उसका तबीयत कैसा है। शांजे कहीं गई हुई है, आई थिंक फैसल के साथ। जी, कल मैंने खुद देखा था और आज भी पता चला कि वो निकल गई है। कुछ अंदाजा है आपको कब तक आएगी? अरे क्या सोच रहे तुम? अरे हम सोच रहे तुमसे बात कैसे शुरू करें, बल्कि अल्फाज ढूंढ रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। अरे तुमको कब से ज़रूरत पड़ गया अल्फाजों का, वो भी अपना दोस्त के साथ? अरे अपनों से ही बात करने के लिए तो सोचना समझना पड़ता है कि कहीं बात कोई बुरी ना लग जावे। पैरों के सामने तो बंदा कुछ भी बोल देवे, क्या फिक्र? दिलावर क्या बात है? अभी कुछ दिन पहले हमारे अब्बा ने आके तुमसे बात किया था। हाँ, हमको मालूम है, तुमसे पूछ के नहीं बोला उसने। हमने कई बार कोशिश किया इस मौजू पे तुमसे बात करने का, लेकिन हम शर्मिंदा है तुमसे। अब्बा खुद से कुछ नहीं सोचता है, बस जो अम्मा बोल देवे वो करने के लिए निकल पड़ता है। मतलब ये कि शायद फैसल नौशीन को पसंद करता है। देखो हम सब एक फैमिली की तरह हैं और फैमिली में तो एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। कहना क्या चाहता है? अरे यही कि नौशीन भी फैसल को पसंद करती है। हम जानता हूँ कि ये सब कुछ हमारी रवायात के खिलाफ है, मगर हम लोगों ने खुद ही सोचा है कि लोगों के सोचने का नज़रिया तो बदलेगा, तो फिर शुरुआत अपने घर से क्यों ना की जाए। मिसाल हम बनेंगे तो फिर बाकी लियारी वाले भी अपनी बहू बेटियों को पसंद का हक देंगे। हमने पसंद की वजह से इनकार थोड़ी किया है, हमको इल्म है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करता है।
तो फिर हम फैसल को बोल देवे कि वो अपनी माँ और दादा को लेके आवे। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले हम नौशीन से पूछेगा, उससे बात करना जरूरी है हमारा। हाँ वो तू भले कर, असल बात ये है दिलावर कि हम खुद भी चाहता है इस एक्सीडेंट के बाद नौशीन का जल्द से जल्द शादी हो जाए। यार डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ डॉक्टर बोला था हमको कि उसका दिमाग का कुछ रेंज मुतासर हो गया है, उसको स्ट्रेस नहीं देने का है वरना उसका दिमाग थोड़ा डैमेज हो जाएगा, और ऐसा हो ना ले डॉक्टर बोला वो कोमा में ना चला जाए। ये बात तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? अरे छुपाने का नियत होता तो तुमको अभी भी नहीं बताता हम। नहीं हमारा ये मतलब नहीं है, हम तुमको ये बात इसलिए भी बता रहा है कि हम चाहता है तुम फैसल को पहले से सब कुछ बता दे, ये सारी बातें उसको पहले से सब कुछ पता हो। हमको अच्छा नहीं लगता कि रिश्तों की कोई दरार आए, कोई खराबी हो। अरे यार हम उसको बता देगा। हाँ मगर हम आने वाले वक्त को भी तो नहीं जानता, हर इंसान हर दिन कोई नया चीज़ सीखता है, नया चीज़ सुनता है, और कभी कभी हम जब अपना माजी में पलट कर देखता है तो हमारा काफ़ी सारा फैसला हमको गलत नज़र आता है। अरे तुम इतना क्यों सोच रहे है? कोई फ़ायदा नहीं है इतना सोचने का, तुम फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा। अभी उठो। नहीं अभी बैठो, इधर आ रहा बंदा आ रहा है, तो चलता है कहीं। अच्छा ठीक है आने दे। क्या बात है? बात तो हमको तुम बताएगा, ये बताओ क्या बोल रहा था लोफर दिलावर तुमको? हमने क्या बात करनी थी? अरे चलो यही बता दो क्या बोल रहा था वो। हमने उसको पूछा था शायद की बहन के बारे में कि उसका तबीयत कैसा है। अरे अभी तो तुमने बोला था हमने क्या बात करनी थी। वो हमारा मतलब है कि इसके अलावा और क्या बात करना था हमको? अरे हम तेरे को इतना बेवकूफ लगता है जो तुम बोलेगा हम यकीन कर लेगा? हम उस्ताद को बता देगा, बाकी जो तुमने बताना है वो बता देना। नहीं तुम नादिर भाई को कुछ नहीं बताना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, नादिर भाई को प्लीज कुछ नहीं बताना। हम तुम्हारे आगे मिन्नत कर रहा हूँ, तुमको अल्लाह रसूल का वास्ता, नादिर भाई को कुछ नहीं बताना, वो हमको स्कूल नहीं आने देगा। और वैसे भी हम कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहा था उससे। अरे चल ठीक है नहीं बोलेगा, तुम एक वादा करो आइंदा तुम इस लोपर से नहीं मिलेगा। हम नहीं करेगा, हम कभी कभी उससे बात नहीं करेगा। पता है ये वादा तुमसे हम क्यों ले रहे? क्योंकि तुम हमको अच्छा लगता है। आइंदा क्या रखो उस लोपर से तुमने नहीं मिलना है।
चाय बहुत अच्छी बनाती हैं आप नौशीन। थैंक यू। और अच्छी चाय मेरी कमजोरी है। शुक्रिया। शांजे कहीं गई हुई है, आई थिंक फैसल के साथ। जी। कल मैंने खुद देखा था और आज भी पता चला कि वो निकल गई है। कुछ अंदाज़ा है आपको कब तक आएगी? टाइम का तो नहीं पता है हमको। कोई बात नहीं, आ जाएगी। बहुत लाड प्यार से पाला है मैंने उसे, लेकिन गलत इंसान के चक्कर में आकर वो घर छोड़ के जा रही है। उसने भी साबित कर दिया कि वो गलत है। क्या मतलब? उसने शांति से घर का डिमांड किया, वो तो हमारे एक्सीडेंट में उसका सारा डॉक्यूमेंट कहीं गुम हो गया। फिर उसने ही शर्त रखा कि अगर हमारे पास वापस आना है ना तो घर सेल करके आना। देखा, जो बात मैं उसे इतने अरसे से समझा रहा था बिलाखिर हुआ वही। हमने भी उसको समझाने का बहुत कोशिश किया कि वो वापस अपने घर चली जाए, मगर वो आपसे बहुत डरता है कि वो वापस जाएगा तो तुम उसको कातिल कर देगा। पागल है वो। मैंने सिर्फ डराने के लिए उससे कहा था कि अगर वो जिद करेगी तो मैं उसे जहर दे दूंगा। अगर मैंने ऐसे ही करना होता, उसे मारना होता, तो ये काम मैं कब का कर चुका होता। हम दो बहन भाई तो हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी जो मेरे नाम पर जायदाद है वो मेरे लिए काफ़ी। लेकिन उसको इतना डर किसी ना किसी वजह से तो लगता होगा ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर यही सब कुछ मैंने करना होता तो कल मैं खुद उसे आते देख चुका था। मैं यहाँ आने के बजाय किसी को पैसे दे देता, वो ये कर लेता। अब जबकि मैं उसे घर लेके जा रहा हूँ तो उसको उसके फ़ायदे और नुकसान का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। आप उसे समझाओ, आखिर कब तक ये ज़िंदगी गुजारेगी और किस तरह गुजारेगी? लेकिन उसको हमारा सादा मादा ज़िंदगी बहुत अच्छा लगता है। वो ज़िंदगी में कभी बाइक पर नहीं बैठी, लेकिन कल वो बाइक पर बैठ के जा रही थी। लेकिन उसे भी तो एहसास होगा ना कि जो ज़िंदगी वो गुजार रही है वो उसके लायक नहीं है। इंसान को वही माहौल अच्छा लगता है जिसमें वो पल कर जवान होता है। बाकी अगर कुछ अच्छा लगता है तो एक वक्ती सी चीज़ होती है जो इंसान थोड़े अरसे में घबरा जाता है। आप शायद ठीक कह रहे हैं। हम शाहिद भाई को कॉल कर लूँ? मेरा ख्याल है कि मेरा ज़्यादा बैठना आपको बॉदर कर रहा है। मैं चलता हूँ, मैं रात को उसे लेने आऊँगा। आप उसे समझाइएगा, उसे ये भी कहिएगा कि यहाँ से कहीं जाने की हिमाकत न करे। किस्मत से आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हर वक्त अच्छे ही लोग मिले। हम उसे समझाने की कोशिश करेगा, हम तो खुद ये चाहते हैं कि वो घर चला जाए। आप बहुत समझदार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उसे समझा लेंगी। समझदारी का ताल्लुक भी समझने वाले पर डिपेंड करता है ना। आप बहुत गहरी बातें करती हैं, मैं फिर आऊँगा। अपने भाई से भी कहिएगा कि उसे समझाएं कि दुनिया में भाई से ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रखता, और जिससे उसे वफा की उम्मीद थी उसे भी देख चुकी है। चलता हूँ। अरे आप मेरा बात नहीं समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर अम्मा चला गया तो अम्मा जाके क्या करूंगा। अरे हमने अपना लियारी का तकमील के लिए इतना ख्वाब देखा है, वो कौन पूरा करेगा? अरे हम सब काम कर रहा है उस पर। फर्ज करो कि तुम किसी का ख्वाब हुए तो। अरे हमने तेरे से एक बात करना है। बोलो क्या बात है? हमने तेरे से शादी बनाना है। क्या? देखो तुम्हारी खातर हम इतने अरसे से नादर भाई के साथ घूमता है, उसके हर लपड़े में साथ देता है, अब थोड़ा नादर भाई को भी तो ख्याल करना चाहिए। ये देखो हमने उंगली कटवाया है नादर भाई के लिए। अरे क्या बकवास कर रहा है, कहना क्या चाहता है तुम? तेरा वो साथी दो दिन से स्कूल आ रहा है, हमको कहता है कि वो हमसे शादी करना चाहता है। अब तू हमको बता कि हम उसको क्या जवाब दूं? अरे शर्म आना चाहिए तुझे ऐसे दोस्त, ऐसे साथी और ऐसे काम पे। अरे आप हमारा आदतें बिगाड़ रहे। आदतें बिगाड़ नहीं रही, संवार रही हूँ। अरे आपने चला जाना है कुछ दिन में तो क्या मेरे साथ चलोगे आप?
अरे हम कैसे जा सकते हैं? जैसे मैं जा सकती हूँ मैं जाऊंगी, और रही बात वीजे की तो मैं अरेंज कर लूंगी आपके लिए। अरे हम उधर जाके क्या करेंगे? ये सोचना भी तुम्हारा मसला नहीं है, मैं सब अरेंज कर लूंगी। अरे आप मेरा बात नहीं समझ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं चला गया तो मैं जाके क्या करूंगा। अरे हमने अपना लियारी का तकमील के लिए इतना ख्वाब देखा है, वो कौन पूरा करेगा? अरे हम सब काम कर रहा है उस पर। फर्ज करो कि तुम किसी का ख्वाब हुए तो इससे हमारा अपना सब ख्वाब तो मर जाएगा ना। लोग अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं, आपको भी करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो आपके बारे में इतना कुछ नहीं करते ना सोचते हैं? मेरा मतलब है कि आपके इलाके वाले। अरे जान पहचान रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों यारों के लिए सब करते हैं, और करना पड़ता है। और दरअसल इंसानियत भी यही है कि उनके लिए कुछ करे जिनसे आपका इंसानियत का रिश्ता है। पता नहीं फैसल, मुझे लगता है कि मैं आपके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। रात होती है तो सुबह का इंतजार करती हूँ और मिलने का इंतजार करती हूँ। अरे आप जिसका साथ भी वक्त गुजारता है उसका ख्याल आता है। तो क्या आपको भी आता है? जी बिल्कुल आता है। मेरे जाने के बाद भी आएगा? तभी तो कहा है, आप चला जाएंगे तो क्या? तो ये क्या एक फील नहीं है? अरे हम पहले ही दो कश्तियों का मुसाफिर, हम क्या बोले तुमको? मुझे लगता है कि अब ये काम तो हो चुका है। अरे छोड़ो इन बातों को, चलो चल के चाय वाय पीता। ठीक है। बच्चा लोग लड़ाई नहीं करना है, चलो ठीक से जाओ, सॉरी बोलो उसको। हाँ चलो भी जाओ। अरे हमने तेरे से एक बात करना है। बोलो क्या बात है? हमने तेरे से शादी बनाना है। क्या? देखो तुम्हारी खातर हम इतने अरसे से नादर भाई के साथ घूमता है, उसके हर लपड़े में साथ देता है, थोड़ा नादर भाई को भी तो ख्याल करना चाहिए। ये देखो हमने उंगली कटवाया है नादर भाई के लिए। सारा बकवास है ना, जाके अपने नादर भाई को सुनाओ, हमको नहीं बताओ, हटो हमारे रास्ते से अभी। ओ मैडम ये तेवर वेवर हमको नहीं दिखाओ, हमने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है। ओ तो हमारा बात करने को तू रंगे हाथों बोल रहा है, और ये बकवास जो तू कर रहा है वो क्या है? अब हम जाके खुद नादिर भाई को बताऊंगी कि क्यों बकवास कर रहा है तू ये। अब हट, हमारे रास्ते से स्कूल बंद करना है हमको। शक्ल क्या देख रहा है हमारी, जाता है या नादिर भाई को फोन करूं? थैंक यू सो मच फैसल, आज भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आपके साथ। अरे वैसे हम अंदर आवे नौशीन का तबीयत पूछ लूंगा। कल आप आएंगे ना मुझे पिक करने, तो कल ही पूछ लीजिएगा, अभी बिल्कुल ठीक है वैसे वो। आप वैसे ऐसा क्यों बोल रहे? आपने नोट नहीं किया शायद, जब आप मुझे पिक करने आते हैं या ड्रॉप करके जाते ना उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन वो तो बस इसीलिए मैं कोई बदमजगी नहीं चाहती हूँ। हम भी आपसे बात बहुत दिन से करना चाह रहा था। हम जब उसको पून करते हैं पून नहीं उठाता, पून आपका हाथ में दे देता है, क्या तरीके है उसके ये? ओहो
बहुत भोले हैं आप। अब कोई इतना इग्नोर करता है तो फिर क्या रह जाता है? उसको आई थिंक ये सब कुछ पसंद नहीं है। एनीवे आप कल आएंगे ना तो कल ही मिल लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ नादिर भाई? तुझे शर्म आना चाहिए, बल्कि तुझे ना शर्म से डूब मरना चाहिए। बड़ा दादा बना फिरता है तू। अरे क्या बकवास कर रहा है, कहना क्या चाहता है तुम? तेरा वो साथी दो दिन से स्कूल आ रहा है, हमको कहता है कि वो हमसे शादी करना चाहता है। अब तू हमको बता कि हम उसको क्या जवाब दूं? अरे शर्म आना चाहिए तुझे ऐसे दोस्त, ऐसे साथी और ऐसे काम पे। बोला हुआ तुझको तो क्या हम झूठ बोल रहा हूँ? पहले दिन आया तो हमने उसको समझा दिया, दूसरे दिन फिर आ गया और अब तो हमको कहता है कि हमारा नादिर भाई से बात हो गई। बस चुप, अब कुछ और मत बोलना। तुम हम आज ही जाके उसका गला काटेगा। अम्मा इधर, हमारा बहुत सुन इधर तो करो। हम तुमको बोला था तुम बात नहीं करना, हम खुद करेगा, लेकिन तुमसे सबर नहीं होया। अम्मा वो हमको बहुत कुछ बोला है, नहीं हुआ हमको बर्दाश्त तो हम क्या करें? ऐसे तो गली का कोई भी लड़का लोग आके हमको कुछ भी बोल देवेगा। और गजब खुदा का बोल रहा कौन था? हमारे भाई का दोस्त। अभी वो कोई नुकसान कर देगा तो? और वो हमको नुकसान पहुंचा दिया तो? आखिर वो इस गली का गुंडा है, तुमको पता है वो हमको क्या बोल रहा था? कि नादिर भाई की वजह से उसने हाथ कटवा दिया है। कुछ सोचो तुम कि कितना खतरनाक इंसान होएगा वो। ऐसा मामला है तुम्हें जज्बात से काम नहीं लेने का, हौसला करने का, कुछ अकल से काम लेने का। अभी वो जाके मार कुटाई करेगा तो पूरा लियारी में ये बात फैल जाएगा कि शाबू ने नादिर का बहन को छेड़ा। तो पहले ना अम्मा, हम तो चाहता ये कि ऐसा बात पहले, ताकि कोई और ऐसी हिम्मत ना करे। लड़की लोग चुप करके सब कुछ सहता है ना, तभी इन लड़का लोग का इतना हिम्मत होता है। सब सुनेगा तो डरेगा भी कि कल को अंजाम ऐसा ही होएगा। अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारा अंजाम क्या होएगा जो हम करेंगे। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ है ना, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हम तुमको बता रहे। नौशीन तुम मुझे मरवाना चाहती हो ना? क्या हो गया? हम तुमको क्यों मरवाना चाहेगा? तुम हमारा दोस्त है, बहनों जैसा दोस्त है। हमने तो उसको एक लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि वो तो हमको खुद को इनफॉरमेशन दे रहा था। बस रहने दो, मुझे ये सब पता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। शाबू किधर है? दादा क्या हो गया, सब कह रही है तो है? कब तक भागेगा हमसे? ये नादिर भाई को जानता नहीं है। अभी लगता है शाबू ने कोई गड़बड़ किया है। भाई हमको बताओ, आपके कदमों में डाल देगा उसको। अरे नादिर भाई वो वर्कशॉप में छुपा हुआ है, जल्दी आ जाओ। हमने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताया, उसको तो पहले से सब कुछ पता था। उसने कल तुमको देखा, तुम पैसल के साथ बाइक पे जा रहा था। तो तुम ये भी तो कह सकती थी कि मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ। अरे उसने हमसे कोई सवाल ही नहीं किया, वो तो हमको खुद कुछ बता रहा था। नौशीन तुम मुझे मरवाना चाहती हो ना? अरे क्या हो गया, हम तुमको क्यों मरवाना चाहेगा? तुम हमारा दोस्त है, बहनों जैसा दोस्त है। हमने तो उसको एक लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि वो तो हमको खुद को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। बस रहने दो, मुझे ये सब पता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। क्या कर रहा है?
अब सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुल के सामने आ गया है। हम तुमको बता रहे हैं कि... बस करो नौशीन, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। अब तुम मुझे अपना बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। देख लूंगी मैं तुम्हें शांजा, देख लूंगी मैं। अरे बात तो सुनो, आ गया। अरे तुम तो क्या इधर फजूल में बैठा हुआ है? शाबू किधर है? दादा क्या हो गया, सब कह रही तो है। कब तक भागेगा हमसे? ये नादिर भाई को जानता नहीं है अभी। लगता है शाबू ने कोई गड़बड़ किया है। भाई हमको बताओ, आपके कदमों में डाल देगा उसको। नहीं, जो भी करेगा हम खुद करेगा। कब तक बिल में छुपा रहेगा वो? तुम जाके पता करो किस बिल में छुपा है वो। हमको शाबू चाहिए। अरे दादा बेफिक्र रहो, अभी ढूंढ के लाता है उसको। चलो अरे छन्ने, पीछे जा रहे इसके, तुम इधर से आओ। नादिर भाई वो वर्कशॉप में छुपा हुआ है, जल्दी आ जाओ। मालूम था कि तू इतना जल्दी मरेगा रे। माफ कर दो नादर भाई। अरे भाई मत बोल। माफ कर दो नादर भाई, तुझसे कभी ऐसा नहीं होगा, कभी गलती नहीं करेगा। तुमने जो करना था ना कर दिया। मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया होगा। इतनी भी नादान नहीं हूं मैं कि तुम्हें समझ ही ना पाऊं मैं। शांजा तुम इतनी रात को कहां जाएगा? कहीं पे भी जाऊं, तुमसे मतलब? क्या मतलब? मतलब है ना, क्योंकि तुम हमारा दिल से दोस्त है। अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, पर मैं यहाँ से भी कहीं चली जाती हूँ। अरे मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आप इसमें अकेले आ गए, सब ठीक तो है ना? सब ठीक होता तो आपके घर का पूछती हुई क्यों आती मैं? अरे हुआ क्या है? मैंने कहा था ना आपसे कि नौशीन को हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं है। उसने मेरे भाई को कॉल करके सब बता दिया कि मैं यहाँ रहती हूँ। अरे पर हुआ क्या है? उसका भाई सुबह आया था, हम आपको फोन किया, तुम शायद समंदर में था, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। अरे क्या बोला उसके भाई ने? उसका भाई पहले से सब कुछ जानता था। वो दो दिन पहले देखा पैसल के साथ उसको, उसके बाद उसे प्यार से समझाता रहा। तुम लोग का क्या लगता है ये? अरे हमारा कुछ नहीं लगता है, नौशीन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ता है, डॉक्टर बन रहा है उसके साथ। जिसका दोस्त है, जिसके साथ पढ़ता है, उसके साथ उसका लड़ाई हो गया है, तो बोल रहा है गलत फहमी हो गया है। ये सब कुछ तुम्हारे साथ अगर होएगा तो तुमको पता है कि तुम्हारा नतीजा क्या होएगा? अरे हमने तो उसको बड़ा समझाने की कोशिश किया,
उसने तो उल्टा हम पर इल्जाम लगा दिया कि हम आपको फोन करके बुलाए यहाँ पर। अरे भाई, जब भी तुम उसको मिलो ये जरूर बताना कि हमने तुमको कॉल नहीं किया है। लेकिन उसके लिए उसका मिलना जरूरी है, वो मिल जाए तो मैं यकीनन उसे बता दूंगा। अरे मिल जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो अभी तो उसका वीजा भी नहीं लगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। वो वहाँ क्या करेगा? जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, यहाँ पे रह के बॉक्सिंग ही तो करता है सिर्फ, कोई इनकम भी नहीं उसकी। नहीं, यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, उसकी जेब खाली है। तुम हमारा बात पे यकीन तो करता, हम पे शक कर रहे तुम? हमने तुम पर शक किया, ये तुमने हमको यकीन दिलाया। शॉपिंग पे तुम उसके साथ जाता था, लंच डिनर कॉफी सब तुम उसके साथ एंजॉय किया। तुम्हारा अंदर कभी इतना हिम्मत हुआ कि अंदर आके हमारा हाल चाल पूछ ले कि हम कैसा है? फिर बोलता है कि हम तुम पे शक करते हैं। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी, दुनिया से को